नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे आलू से बनने वाली इस मिठाई की रेसिपी को, जिसे हमने कच्चे आलू से बना के तैयार किया है। आप देखिए कितने खूबसूरत हमारे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। आपको ज़रूर पसंद आएंगे, खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे जितने कि ये आपको देखने में लग रहे हैं। तो आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में भी बताइएगा, और रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इन लड्डुओं की रेसिपी को। और यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं, ये कच्चे आलू हैं और मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पे आलू लिए हैं, और जिन्हें हमने पहले धुल लिया था। और अब हम इसी से मिठाई बनाएंगे। आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कच्चे आलू से भी बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार होती है। आपने पहले कभी बर्फ़ी ज़रूर खाई होगी आलू की, तो उसे व्रत में हम लोग 8 से 10 दिन तक आराम से खाते हैं। इसी तरह से इन लड्डुओं को भी आप 8 से 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और अब हम आलूओं को छील लेते हैं, और छीलने के बाद ही हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हमें आलू को इस तरह से छील लेना है। और बाकी के आलू भी अब हम इसी तरह से छील के तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हमने ये आलू छीले हैं। आलू हमारा छिल गया है, और बाकी के आलू भी अब हम इसी तरह से अच्छे से छील कर तैयार कर लेते हैं। तो सारे आलू हमने छील कर तैयार कर लिए हैं, और अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर लिया है, ये बारीक वाला ग्रेटर है, इसी से हमने आलू कद्दूकस किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा मोटे साइज के भी आलू कद्दूकस कर सकते हैं, पर मैंने बहुत ही बारीक इसे कद्दूकस किया है ताकि इसमें आलू का पता ही नहीं चले और स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो। और इस तरह से अब हमने ठंडा पानी डालकर इसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद हम इस तरह से इसे छान लेंगे। और इसी से अब हम लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, कोई भी कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस मिठाई को बनाने में। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। देसी घी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आंच को अब हम धीमा ही रखेंगे, और धीमी आंच में हम आलू को डालकर इसे भून लेंगे, अब इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है ताकि आलू में कोई भी कच्चापन ना रह जाए और इससे हमारे स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार हो जाएं। और हमने इसे देखें काफ़ी भून लिया है, इसका हल्का सा कलर सा चेंज हो गया है और इसका पानी भी जल गया है। तो इस तरह से आलू को हमें भूनकर तैयार कर लेना है धीमी आंच में। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, तो फुल क्रीम यहाँ पे हमने दूध लिया है, और पूरा 2 कप दूध हमने यहाँ पे लिया है। दूध डालने के बाद अब हम मीडियम आंच में इसे चलाते हुए पका लेंगे। इस तरह से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे गाढ़ा होने तक। जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तभी हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे पका लेते हैं, और देखें ये काफ़ी थिक हो गया है, अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है इस तरह का। अगर आपको खीर आलू की पसंद है तो आप इस तरह से इसे पकाकर चीनी डालकर भी तैयार कर सकते हैं, और आलू की खीर बनके तैयार हो जाएगी। पर हम लड्डू बना रहे हैं तो इसे और ज़्यादा पकाएंगे। इस तरह से धीमी आंच में मावा के जैसे हम पकाते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैंने 1/3 कप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा और हम इसे थिक होने तक पका लेंगे।
आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस मिठाई को बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी कटे हुए डाल सकते हैं। और इस तरह से आप चलाते हुए हम इसे अच्छे से पकाकर गाढ़ा कर लेंगे। और अच्छे से गाढ़ा होने के बाद इस तरह से ये थिक दिखने लगेगा। और अब हम इसमें मिला देंगे ड्राई कोकोनट। तो मैंने यहाँ पे आधे कप ड्राई कोकोनट लिया है। अगर आप ड्राई कोकोनट नहीं डालना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने इसमें डाल दिया है, या फिर जो गोला वाला नारियल आता है आप उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं इस मिठाई में। और अब हम इसे थोड़ा सा थिक कर लेते हैं पकाकर 2 मिनट के लिए, और गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडे होने के बाद इस तरह से हो जाएगा। आप देखें कितना बढ़िया ये मावा के जैसे दिख रहा है। अब हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो हल्का सा घी हाथों पर लगा लें और इसके लड्डू बना लें। इस तरह से हम सारे लड्डू बनाते जाएंगे। और मैंने देखें हाथों पे घी भी नहीं लगाया और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, बहुत ही बढ़िया लड्डू बन रहे हैं इस तरह से। तो सारे लड्डू हम इस तरह से बना के तैयार करेंगे। अब बचे हुए पार्ट में हम आधा पार्ट निकाल लेंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 3 कलर के लड्डू बना के तैयार करूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पीला कलर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो थोड़े से हम पीले लड्डू भी बना लेंगे जैसे हमने सफ़ेद बनाए हैं। और अच्छे से अब इसे मिला लेंगे। और देखें ये भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। और देखें येलो लड्डू भी हमारे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। अब बचे हुए पार्ट में हम हल्का सा पिंक कलर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप हाथों से या चम्मच से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इजीली घर पर ही आप कलरफुल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और इससे भी अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा भाग इसका ले लेंगे और इससे लड्डू बना लेंगे। और इस तरह से हम सारे लड्डू बनाते जाएंगे। आप देखें काफ़ी खूबसूरत से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट ले लिया है इसके ऊपर लगाने के लिए। इस तरह से हल्का हल्का लगा देंगे हम तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगे। और हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमा देंगे। अगर आपको लड्डू बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप ड्राई कोकोनट और मिला सकते हैं इसे सूखा करने के लिए, पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इन लड्डुओं को बनाने में। देखें कितने बढ़िया और जल्दी से हमारे लड्डू बनते जा रहे हैं। और अब हम इन लड्डुओं को सारे इस तरह से बनाकर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखने से और भी बढ़िया ये सेट हो जाएंगे। तो पहले हम सारे लड्डुओं पर ड्राई कोकोनट इस तरह से लगा लेते हैं। बस इस तरह से हम लगाते जाएंगे इनके ऊपर और इन्हें हाथों से चिकना कर लेंगे। और देखें सारे लड्डू हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और हम मिलेंगे इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ।